गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्थिनोकार्पी। तो देखिए पार्थिनोकार्पी जो जैसा हमने पहले वाले भी वीडियो में बताया था कि प्रत्येक जो होता है जो टर्म्स होते हैं उसी में उनके सारे जो है मीनिंग जो है छुपे होते हैं। तो देखिए ये भी क्या है आपका दो टर्म से मिलकर बना होता है पार्थिनोस और कार्पी से है। तो पार्थिनोस का मतलब क्या होता है वेरिजिन। वेरिजिन मतलब जो क्या है एकदम अभी जो है पवित्र है या एकदम जो है स्वच्छ है। और कार्पस मतलब क्या होता है फ्रूट। तो यहाँ जो पार्थिनास का मतलब होता है वेरिजिन। वेरिजिन का मतलब जिसमें जो क्या हो अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसने नहीं किया है उसी को हम क्या बोलते हैं पार्थिनास। और कार्पस का मतलब क्या होता है फ्रूट। तो देख लीजिए पार्थिनोकार्पी का सीधे से जो मतलब होता है क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट। जो क्या होता है बीज रहित जैसे होता है ना सीडलेस फ्रूट का निर्माण। मतलब हम चाहते हैं क्या कि हमें जो है कोई भी ऐसा जो फल हो जैसे हम फल खाते हैं ना तो हम चाहते हैं कि उसमें बीज ना हो। तो ऐसे फल के निर्माण को ही हम क्या बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। और इस ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो देखिए क्या है देखिए कह रहे पार्थिनोकार्पी क्या होता है प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट। सीधे से मतलब है क्या है सीडलेस फ्रूट का निर्माण ही क्या कहलाता है पार्थिनोकार्पी। तो ये भाई हो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है मैकेनिज्म ऑफ ऑब्टेनिंग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मैकेनिज्म है हम इसको तीन रीजन से जो है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को हम डेवलप करते हैं। पहला सीड आर इरिटेटिंग ड्यूरिंग ईटिंग द फ्रूट। ये कह रहा है कि जब हम फल खाते हैं और बीच में जब सीड पड़ जाता है तो हमें क्या करता है इरिटेट करता है या हमें अच्छा नहीं लगता हमें इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ना। दूसरा मतलब यहाँ इसका मीनिंग होगा कि अच्छा नहीं लगता है जब हम फ्रूट खाते हैं बीच में क्या आ जाता है बीज आ जाता है। दूसरा कह रहा है प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट बाय द फूड इंडस्ट्री रिक्वायर द रिमूवल ऑफ सीड विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। ये कह रहा है कि जो फूड इंडस्ट्री होता है जो विभिन्न प्रकार के फूड जो है पैकेट में बनाते हैं उनके लिए क्या होता है इस सीड का रिमूवल जो होता है वो क्या होता है डिफिकल्ट होता है कठिन होता है। इसलिए भी क्या है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का डिमांड है। और तीसरा जो कह रहा है देयर इज एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू ग्रो द फ्रूट बियरिंग प्लांट इनसाइड द ग्रीन हाउसेस। तो तीसरा जो कंडीशन है क्या है जो हम ग्रीन हाउस जो शीशे का एक नहीं होता है घर बना करके फ्रूट का निर्माण करते हैं सब्जियों को उगाते हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का क्या हो रहा है डिमांड बढ़ रहा है। तो सीधे सी बात है कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब हम क्या है कोई भी ऐसा फल जो इसमें हम क्या हो बीज ना चाहते हो ऐसे फ्रूट का निर्माण को हम क्या बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो भाई ये कैसे संभव है तो देखिए आपको पता होगा कि जो फ्रूट होता है फ्रूट कैसे डेवलप होता है ओवरी जो आपका ये ओवरी है ना ओवरी जब परिपक्व हो जाता है या पक जाता है तो क्या बना लेता है फ्रूट बना लेता है। तो ये वाला आपका क्या है स्टिग्मा है ये क्या है स्टाइल है और ये वाला क्या है ओवरी है ये वाला पार्ट क्या है ये क्या है ओवरी है। तो व्हेन दिस रीजन इज मैच्योर आर रिपेन देन कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। मतलब इसका सीधे से मतलब है जो जब ओवरी क्या होता है पक जाता है और पक जाता है तो क्या बनाता है फल बनाता है। ये आप लोग एकदम इसको रट लीजिए जो अंडाशय है अंडाशय जब पक जाता है तो क्या बनाता है फल बनाता है। और बीज कैसे बनते हैं बीज क्या होता है जब ओव्यूल क्या होता है ओव्यूल पक जाता है या ओव्यूल परिपक्व हो जाता है तो क्या होता है उसमें सीड बनते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है हमें फ्रूट बनाना है। तो फ्रूट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए ओवरी चाहिए ओवरी क्या हो पक जाए ओवरी क्या हो जाए पक जाए तो उसी से क्या बनता है फ्रूट बनता है। और हमें बीज नहीं चाहिए क्योंकि इसके बाद फिर इसमें क्या होगा बीज बनेगा। तो हम इसमें करते क्या है इसमें कई तरह के जो है केमिकल हम यूज करते हैं जैसे एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के लिए IAA इंडोल एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं या ऑक्सिन का उपयोग करते हैं। ये आपका सिंथेटिक ऑक्सिन है और ये क्या आपका नेचुरल ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन का क्या करते हैं हम स्प्रेडिंग कर देते हैं किस पे इस जो होता है ओवरी पे। तो इसके वजह से क्या होता है ये जल्दी से पक जाता है और इसमें सीड का निर्माण नहीं होता है। तो ये सब क्या है आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को डेवलप करने के क्या है ये सब टेक्निक है। देखिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आप भी बहुत जानते होंगे ऐसा नहीं है जैसे आपका ग्रेप है ग्रेप में आपको बीज नहीं मिलता बनाना है ये सब क्या है आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। अब तो लगभग हर जो फ्रूट है जैसे सेब हो गया उसका जो अध्ययन उसको भी हम क्या करते हैं पार्थिनोकार्पी द्वारा उगाते हैं। टोमेटो भी टोमेटो भी सोच लीजिए जो टोमेटो होता है ना जिसको टमाटर बोलते हैं उसमें भी क्या होता है वो भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का के अंतर्गत बनता है। ठीक है तो ये आपका क्या हो गया पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। हमारा एक लास्ट में क्वेश्चन जो है आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि फ्रूट का अध्ययन जो होता है जो फल का अध्ययन हम साइंस के किस ब्रांच में करते हैं।
ठीक है, ये कमेंट करके जो बच्चे हैं ये बतलाएं कि भाई फ्रूट का जो अध्ययन है ये क्वेश्चन जो है आपके 2016 में पूछा गया है, तो आप ये कमेंट करके बतलाएं कि जो फ्रूट का अध्ययन है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं, कार्पोलॉजी के अंतर्गत करते हैं या पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक लोग कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में भेजें ताकि बच्चे जो हैं अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। ठीक है।